मिली नहीं। क्या बात कर रहे हैं चाचा, कब से क्या बात करते हैं, पहचान नहीं मिली अभी तक। कहूँ हर बॉर्डर पर हर जाति का टाइटल अलग है ना, तो कैसे मिलेगा जगह की वो लोग दे यार न दे, इसलिए हाला भी होगा ना भाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। पान को जानो, पान को मानो, पान को पहचानो, कल ये नारा आपको पूरे पटना में सुनने को मिलेगा। देखिए, अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है बापू सभागार में। कल ये महासम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए आज से ही भीड़ का आना शुरू हो गया है। देखिए, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि मिलर स्कूल में लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है, और उस वक्त हम जब मिलर स्कूल आए तो हमने देखा कि यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। कहाँ से आ रहे हैं? जयनगर से सर। काहे के लिए? ये सम्मेलन है। काहे, काहे का सम्मेलन, काहे आ गए हैं? एकदम बढ़िया दिशा देखिए, हम देख रहे हैं कि सब लेके झोला उला लेके गमछा लपेट के पसीना पसीना हो के चले आ रहे हैं। वही सम्मेलन देखने के लिए। क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या होगा इस सम्मेलन में? सबको जुटान होगा अपना पान तांती का, वो एक टाइटल टाइटल बदला जाएगा। अच्छा, कोई जिला में अलग है, कोई जिला में अलग है, उसको पहचाना नहीं जा रहा है अपना कौन। आप लोग को पहचान नहीं मिली? नहीं। क्या बात कर रहे हैं चाचा, कब से क्या बात करते हैं, पहचान नहीं मिली अभी तक। कहूँ हर बॉर्डर पर हर जाति का टाइटल अलग है ना, तो कैसे मिलेगा? अच्छा, क्या लगता है, यहाँ आइएगा? हम मधुबनी जिला में दास लिखाते हैं। अच्छा, कहूँ प्रसाद है, कहूँ राउत है, कहूँ सिंह है, तो उसमें पहचान नहीं है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ आने से, महासम्मेलन में भाग लेने से पहचान मिलेगी? हाँ, वही पान तांती बुनकर सबको लिखाया जाएगा तो सब चिन जाएगा। अच्छा, पहले चचा, पहले चचा इस जाति को जुल्हा माना जाता था, ऐसा भी है क्या? बुनकर मान बैठे पहले, पान तांती बुनकर। तो लोग उन लोग के साथ बैठना भी नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसे बात है। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, पहले आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? भेल चले, लेकिन हम सब उससे अलग हो गए। अलग हो? हाँ, कि उसमें शादी ब्याह चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता था कि शादी ब्याह नहीं करते थे? नहीं। अच्छा, ये भी बात सुनने में आया कि कुआं का पानी भी नहीं छू सकते थे, ये सब भी होता था? अब पहले जमाना में इनका और एज में हो जाता था, क्या होता था सर? पानी कुआं के नहीं छुआ था, नहीं छुआ था, ऐसे करते होते थे। हाँ, अच्छा, तो क्या है मतलब, अब हक मिलता है कि नहीं? तो हम पहले का बात बता रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं होता होगा? अब नहीं होता। अब हक मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, अभी भी हक नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा है आपको आपका हक? ग्रामीण लोग नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है हक आपको? हाँ। अच्छा, क्या बोलता है आपको? ताती बोलता है, पान ताती नहीं बोलता है। अच्छा, तो आपको आपका हक चाहिए? हाँ, हक चाहिए। हक चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं, क्या लगता है यहाँ आने से हक मिल जाएगा? सम्मेलन के लिए आया। तो हक मिलेगा आपको? हाँ, हक मिल जाएगा। मेरा नाम पुलकी दास। कहाँ से आ रहे हैं? हम आए हैं मधुबनी जिला, काहे की लदनिया प्रखंड से। काहे की? यहाँ जाति का सम्मेलन है। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, हाँ, किसको सुनाना चाहते हैं, किससे हक मांग रहे हैं, कौन सा हक चाहते हैं? अरे, यहाँ जो मान लीजिए कि नेता सब जो है, हाँ, जो हमारे भाई साहब सब जो इसका सम्मेलन किया है, हाँ, उसमें हम लोग सब मिल करके हक मांगेंगे। अच्छा, आगे देखा जाएगा कि वो लोग दे या न दे, इसलिए हल्ला भी होगा ना भाई। हाँ जी, हक बात कर रहे हैं, हल्ला करने आए हैं पटना में। हक के लिए काहे नहीं हल्ला उठावेंगे, अपने हक के लिए हल्ला कीजिएगा। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। जाम लगाइएगा पूरे पटना में? जाम नहीं होगा। अरे, यही जहाँ सभा होगा वहाँ जो हल्ला करने से लगता है कि हक मिल जाएगा? नहीं बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर नहीं बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो बोलेंगे जो मिलेगा। अच्छा, मतलब साफ कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि बोल के हक ले लिया जाएगा। होगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, जैसे कि नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं, क्या सुनाइएगा, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अरे, यही तो जान मांगना है हम लोग की, इतना दिन हम लोग से आदमी मान लीजिए पानी में नहीं भिड़ने देता था, ये होता था, जूता पहन के पहन करके अपने दरवाजे पर नहीं चलने देता था। आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे साथ, हमारे पूर्वज के साथ हुआ है ना? अरे, पूर्वज के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, पूर्वज बोले है तो सुन के रखे है ना। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए, जाति का सम्मेलन है। हाँ, अगर सबसे यहाँ इस बात का रखा जाएगा, जो होगा होगा, हम लोग हक के लिए आए हैं। हक के लिए आए हैं, आवाज उठाइएगा, लड़ाई लड़िएगा। लड़ाई तो नहीं लगेगा, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, पूरी तैयारी है, एकदम तैयारी। जगदेव दास। अच्छा, काहे के लिए यहाँ आए हैं? इसीलिए आए हैं, अपना जात के हक लेने के लिए। जात का कौन हक नहीं दे रहा है आपको?
अरे समाज में नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? बहुत नहीं दे रहा है समाज में हक। और क्या हक नहीं देता है चाचा, क्या हक चाहिए आपको? अब जो टाइटल निकला है उस टाइटल वाला हक चाहिए। हक चाहिए जी। हक नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? हक जब इतने दूर से आए हैं तो हक मिलेगा क्यों नहीं? मतलब दूर से आए हैं तो हक लेके जाइएगा जी, एकदम ठान लिया है जी। अगर नहीं मिला तो क्या कीजिएगा फिर? मिलेगा ही, मतलब ना सोचना ही नहीं है, मिलना तो है ही, मिलना है। क्या ना, तो देखा आपने कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 25 से 30 हजार लोग कल यहाँ पर जुटने वाले हैं, बापू सभागार में जुटने वाले हैं, हुंकार भर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि अब हम मानने वाले नहीं है, हक तो देना ही होगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।